जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा सरकार ने दी है बहुत बड़ी खुशखबरी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अगर उनकी सरकार आती है तो विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप देगी। उस वादा को पूरा करने के लिए सरकार ने योजना बना ली है। अब हरियाणा सरकार फ्री में विद्यार्थियों को, छात्रों को लैपटॉप देगी। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये देखिएगा, हरियाणा बोर्ड के मेधावियों को लैपटॉप बांटेगी सरकार। पहले चरण में 3 जुलाई को पंचकुला में होगा सम्मान समारोह है। संपूर्ण डिटेल बताएंगे कैसे लैपटॉप मिलेगा, क्या कुछ सूचना मिलेगी, क्या कुछ आपको प्रक्रिया करनी है। चुनावी दंगल में कूदने से पहले मनोहर लाल सरकार मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप देने जा रही है। 3 जुलाई को पहले चरण में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 600 मेधावियों को सरकार लैपटॉप प्रदान करेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का वादा किया था। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं की 2016, 2017, 2017, 2018, 2018 और 2019 की परीक्षा में टॉप मेरिट में आए विद्यार्थियों को सरकार लैपटॉप देगी। प्रदेश के टॉप 25 मेधावी विद्यार्थियों को मनोहर लाल खुद लैपटॉप देंगे। इसके लिए पंचकुला के रेड विशप में सुबह 11 बजे से राज्य स्तरीय लैपटॉप वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अम्बाला के अलावा प्रदेश के सभी टॉप 25 विद्यार्थी पुरस्कृत किए जाएंगे। अन्य जिलों में डीसी मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे। सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर राजेश गुप्ता की ओर से इस संबंध में तैयारियां मुकम्मल करने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। और ये देखिएगा, कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल प्रदेश के टॉप 25 उनहार छात्रों को करेंगे सम्मानित। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किया था वादा। बता दें कि भाजपा ने 2014 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने का निर्णय लिया था। इस वादे को पूरा न होने पर विपक्ष उंगली उठाता था, जिसे अब सरकार पूरा कर विरोधी दलों का मुंह बंद करने जा रही है। मेधावियों को स्थायी पते पर देनी होगी सूचना। ये देखिएगा, स्कूल शिक्षा विभाग ने मेधावी विद्यार्थियों को सूची जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दी है। सूची में मेरिट में आए छात्र छात्राओं या उनके अभिभावकों के मोबाइल नंबर भी मौजूद है। कुछ के नंबर उपलब्ध नहीं है। इसे देखते हुए सेकेंडरी शिक्षा निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने निर्देश दिए कि मोबाइल पर फोन करने के अलावा पुरस्कृत किए जाने वाले सभी छात्रों को उनके स्थायी पते पर भी लैपटॉप मिलने की सूचना दी जाए, ताकि वह कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना पुरस्कार ग्रहण कर सके। यानी आपका कोई रिश्तेदार, भाऊ, भाई बंद, अन्य कोई है और मेरिट लिस्ट में आया है उनका नाम, तो उनके मोबाइल नंबर पे या उनके घर के स्थायी पते पे बाई डाक उनके पास एक लेटर इश्यू हो सकता है और उन्हें लैपटॉप वितरण के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, भाई बंद मेरिट लिस्ट में आया था तो उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि वे इस सरकार द्वारा दी गई योजना का भरपूर फायदा उठा सकें। ये देखिएगा, पंचकुला में 11 बजे से कार्यक्रम, जिलों को 24 जून को भेजे जाएंगे लैपटॉप, डीसी करेंगे सम्मानित। हम आपको बता दें कि 25 मेधावी विद्यार्थियों को खुद सीएम सम्मानित करेंगे, उसके बाद जो जिला वाइज डीसी भी सम्मानित करेंगे। यानी 25 को तो सीएम 25 में विद्यार्थियों को तो सीएम खुद उन्हें सम्मानित करेंगे लैपटॉप देकर, और बाकी बचे हुए स्टूडेंट को जो डीसी होते हैं वे सम्मानित करेंगे। पंचकुला में 3 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसमें छात्रों को समय पर पहुंचने की जिम्मेदारी शिक्षा अधिकारियों की रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम से पहले मेधावी विद्यार्थियों की सूची जिलों के डीसी को मुहैया कराई जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में वितरित किए जाने वाले लैपटॉप स्कूली शिक्षा निदेशालय 24 जून को भेज देगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को सोमवार को पंचकुला में वर्कशॉप होनी है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि लैपटॉप ले जाने की व्यवस्था कर ले। तो ये बड़ी सूचना है। 25 छात्रों को तो खुद मनोहर लाल सम्मानित करेंगे, बाकी डीसी उन्हें डीसी ऑफिस में छात्रों को बुलाकर उन्हें सम्मानित कर दिया जाएगा। तो ये नई बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड कीजिएगा और इस सूचना को अपने रिश्तेदार, भाई बहन सभी के पास जरूर भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।